हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिनेहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की DIY में हम ना इस टूटी गुल्लक का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस गुल्लक का कुछ करा जाए। तो इस गुल्लक को मैंने ले लिया है और अब इसको मैंने राउंड शेप में मार्क कर दिया है और इसको हम इतना ही तोड़ लेंगे, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है वॉल पुट्टी, तो इस वॉल पुट्टी को मैं ऐसे साइड हाइट में लगा दूँगी ताकि जो निशान है ये दिखे ना, और इसको इस तरीके से लगा देंगे। और पानी की मदद से और ग्लू भी लगाया है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको कर देंगे। तो चिपक जाने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। तो और वॉल पुट्टी जो हमने ली है, तो अब हम ना इसको इस तरीके से बनाएंगे जैसे कोई दीवारों पे जो ईंट लगती है, कुछ इस तरीके से हमने शेप दिया है। तो दीवारों की ईंट जैसे लगती है मैंने वैसे सेम करा और सब में ऐसे चिपका दिया है कुछ इस तरीके से। और ये ना देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो इस तरह हम एक छोटा सा गोली सा लेंगे वॉल पुट्टी का और हाथों से इसको डिब्बे की तरह बनाएंगे, जैसे ईंट बनती है सेम वैसे ही बनाएंगे और ग्लू की मदद से इसे हम चिपका देंगे। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो पूरे में लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा था और ये ना देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जब ये ड्राई हो जाएगा, तो अब मतलब ये ड्राई हो चुका है, तो अब इसको हम करेंगे कलर। तो कलर करने के लिए मैंने लिया है पर्पल कलर। तो हम ईंटों के ऊपर इसके कलर नहीं करेंगे, मतलब जो वॉल है उसके ऊपर हम कलर करेंगे और ऐसे पूरा हम अच्छे से कलर कर देंगे। कम से कम इसकी 2 लेयर तो आपको कलर करना ही पड़ेगा। तो पूरा कलर करने के बाद ये कुछ अलग लगेगा। तो कलर करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा था। तो पीछे की साइड हम ब्लैक कलर कर देंगे, जो पार्ट दिखता नहीं है तो उसमें मैं ऐसे ही ब्लैक कर देती हूँ ताकि वो छूटे भी ना और देखने में भी अच्छा लगे। तो वैसे तो ये दिखता नहीं है बट तब भी कलर करना तो बनता ही है, तो हमने पूरा ऐसे ब्लैक कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है येलो कलर, बट अभी मैं ना आगे कुछ अलग करने वाली हूँ, क्योंकि ना बाद में ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता रहता है। फिर मैंने इस कलर को बदल दिया था कि क्योंकि ये कुछ देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे कि मुझे कलर चाहिए था इसमें वो लुक नहीं आ रहा था। तो ये देखिए मैंने आगे की साइड पर कुछ जो हमारे पत्थरों में कलर होते हैं, अरे जैसे स्टोन कलर होते हैं ना, जैसे चट्टानों की कलर होते हैं, एकदम वैसे ही मैंने कलर बनाया है ब्लैक और वाइट को मिला के। वाइट ज़्यादा था और ब्लैक थोड़ा कम था, बहुत कम था। तो ऐसे जो सिल्वर कलर होते हैं चट्टानों के, एकदम वैसे ही मैंने इसको कलर करा है। बाद में मुझे यही कलर अच्छा लगा था। तो आप बताना आपको कौन सा कलर बेस्ट लगा, येलो वाला या ये जो चट्टान का था। तो ये जो बन रहा है ना, आप इसमें क्या रख सकते हो, आप इसमें अपनी ज्वेलरी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ फूल वगैरह, आप इसको फ्लावर पॉट जो कहते हैं वो बना सकते हो। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे की साइड में गोल्डन कलर कर रही हूँ ताकि ये अलग लुक लगे देखने में। तो आप बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो इसका फाइनल लुक देखिए। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे सेकेंड DIY। तो सेकेंड DIY के लिए मैंने लिया ये खाली डिब्बी, जो कि सबके घरों में ऐसे पड़ी रहती है और कोई इसका कोई काम भी नहीं होता, मतलब काम भी होता है तो हम लोग इसको ऐसे सिंपल यूज़ करते हैं, तो देखने में कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इसको भी हम कुछ डेकोरेट करते हैं।
तो यहाँ पे हमने लिया है वॉल पुट्टी, और वॉल पुट्टी को हमने ग्लू लगाया है और इस तरीके से हम रख देंगे। तो जैसे ये एक चाय का एक ढक्कन होता है, जैसे हमारे घर में किसी बर्तन का कोई ढक्कन होता है, एकदम वैसे ही हम बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने ऊपर से वॉल पुट्टी चिपका दी और अब एक ऊपर से ऐसे जो पकड़ने वाला होता है उसको ऐसे लगा दिया। और जब ये ड्राई हो गया था तो ये अच्छा लग रहा था, वैसे भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ना हम अब ऐसे गोल गोल से लेके और ग्लू की मदद से सारे में चिपका देंगे। और ये गीला था ना तो बहुत सरक रहा था, लेकिन ड्राई होने के बाद ये आपस में जॉइंट हो गए थे। और आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जिस इस तरीके से आधे में लगाना है, आधा सुखाना है फिर आधे में लगाना है, क्योंकि ये प्लास्टिक है तो सरक रहा था कुछ। तो ये देखिए, अब ये पूरे में लग चुका है और ये कितना अच्छा लग रहा है। आप इसमें कुछ सामान रखेंगे या मंदिर के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे चावल वगैरह रखना होता है मंदिर में जो होता है, तो ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो चलिए अब इसमें भी हम कलर करते हैं। तो इसके लिए भी ना हमने कलर यही सिल्वर वाला ही लिया है, जो हमने ब्लैक एंड वाइट कलर मिला के बनाया है। तो ये देखने में अच्छा लग रहा था, कैमरे में थोड़ा हल्का आ रहा है लेकिन ये थोड़ा डार्क था। ये देखिए, अब डार्क मैंने थोड़ा कर दिया था तो अब अच्छा लग रहा था और भी ज़्यादा। तो इस तरीके से आप इसे कलर कर देंगे तो देखने में ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका ना पूरा कलर होने के बाद इसका फाइनल लुक देखिए। तो चलिए, थर्ड DIY में हम स्टोन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं लेडी बग। तो मेरे पास ऐसा स्टोन रखा हुआ था, और ये वाला पत्थर तो हर किसी के घर रखा ही होता है, कभी छत पे और कभी गमलों में। तो जो लोग प्लांट्स लगाते हैं उनके यहाँ तो ज़रूर रखा होगा, नहीं तो छत पे हर किसी के रखा ही रहता है। नहीं तो जाइए पार्क से उठा के ले आइए, ऐसा भी पार्क में भी होते हैं ढेर सारे। तो यहाँ पर मैंने लेडी बग को ड्रॉ करा और ब्लैक कलर से कलर करा। और यहाँ पे पहले मैंने लिया है ब्लैक कलर, फिर उसके बाद आइस में हम करेंगे वाइट कलर। तो यहाँ पे अच्छे से हम ब्लैक कलर कर देंगे। और इसका इस्तेमाल आप पेपर वेट की तरह कर सकते हो, अपने गमलों में, अपने प्लांट्स में रख सकते हो, या घर पे कहीं भी ऐसे रख सकते हो एज अ डेकोरेशन पर्पस से। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने ब्लैक कलर कर दिया है, और अब हम लेंगे रेड कलर, जैसे कि हमारी लेडी बग होती है तो उनके पंख में होता है रेड कलर। तो यहाँ पे हमने लिया है रेड कलर। रियल में किस किस ने ये लेडी बग देखा है कमेंट करिए। तो मैंने तो रियल में देखा ही है, क्योंकि मैं यूपी में रहती हूँ तो मैं अक्सर देख ही लेती हूँ ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर हमने रेड कलर कर दिया है, और सच में ऐसे आइडियाज़ बहुत अच्छे लगते हैं, स्टोन पेंटिंग वगैरह आपको कैसे लगते हैं कमेंट करिए। तो यहाँ पे हम लेंगे वाइट कलर, अब हम आइस में ना वाइट कलर कर देंगे। और अगर आप टू लेयर कर रहे हैं पेंट की तो और भी अच्छा है, क्योंकि थोड़ा डार्क हो जाता है तो देखने में अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ पे करा है वाइट कलर, और अब हम ना पंखों में से छोटी छोटी जो बिंदी होती है वो ब्लैक कलर की हम करने वाले हैं, क्योंकि ब्लैक बॉडी के कलर से मैच हो रहा है उनके पंख में तो अच्छा लगता है देखने में। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था और जल्दी बन भी गया था। तो इस तरीके से आप पेपर वेट बना सकते हैं। और अब इसका देखिए फाइनल लुक। तो अभी इसमें थोड़ा सा और काम बाकी है, तो हमें अभी इसमें ना बॉर्डर भी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ना वाइट कलर के बॉर्डर बनाए हैं लेडी बग के। तो ब्लैक कलर होने के बाद हमने लिया है वाइट कलर,
तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा था। अब हमने लिया है वाइट कलर और पतले वाले ब्रश की मदद से हमने वाइट कलर की आउटलाइन कर दी है, तो ये थोड़ा और निखर के आ रहा था। तो अब इसका देखिए फाइनल लुक, और आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।